चक्र शब्द केवल सेंटर नहीं है, ये एक गतिशील अवधारणा है। चक्र का अर्थ है चलता हुआ पहिया, एक ऐसा केंद्र जो आपके अस्तित्व में गति और ऊर्जा का सृजन करता है। हमारे अस्तित्व में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र जो सेक्स केंद्र है, हमें एक विशेष एकता का अनुभव कराता है। सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है क्योंकि यह हमें एक झलक प्रदान करता है। पर यदि हम यहीं रुक जाएं तो हम एक विशाल महल के प्रवेश द्वार पर ही ठहर जाते हैं। ये प्रवेश द्वार हमें महल में आमंत्रित करता है, पर यह वह जगह नहीं है जहां हमें सदा के लिए रुक जाना चाहिए। अन्य चक्रों में अधिक उच्चतर एकता और आनंद की प्रतीक्षा है। दूसरा चक्र हारा, जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे से मिलते हैं। यहां पर एक उच्चतर संगम होता है जहां सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है। ये मिलन अब आंतरिक है जिससे यह अधिक स्थायी और स्थिर हो जाता है। तीसरा चक्र नाभि, जहां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का मिलन होता है। ये मिलन जीवन और मृत्यु से भी उच्चतर है क्योंकि ये बायो एनर्जी जीवन और मृत्यु से पहले और बाद में मौजूद रहती है। नाभि पर इस बायो एनर्जी का मिलन तुम्हें एक उच्चतर अनुभव प्रदान करता है जहां तुम एकता और एकाग्रता का अनुभव करते हो। चौथा चक्र है हृदय, जहां निम्न और उच्चतर मिलते हैं। हृदय चक्र पर प्रकृति और पुरुष, सांसारिक और पारलौकिक, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। यह अभी भी उच्चतर है क्योंकि पहली बार कुछ पारलौकिक आरंभ होता है। अब तुम क्षितिज पर सूर्योदय देख सकते हो। गले का चक्र जो देने और प्राप्त करने का केंद्र है, यहाँ एक और एकीकरण होता है जो और भी श्रेष्ठ और भी सूक्ष्म है। जब बच्चा जन्म लेता है वह गले के चक्र से प्राण प्राप्त करता है। और फिर तीसरी आंख का चक्र है, जहां मस्तिष्क के दो हिस्से यानी लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर मिलते हैं। ये एक उच्च संश्लेषण है जहां विषय और वस्तु, बाहरी और आंतरिक मिलते हैं। और अंत में सहस्रार चक्र है, जहां अंतिम एकीकरण होता है, वस्तु और विषय का स्थायी मिलन होता है। ये सेक्स से समाधि तक की यात्रा है जहां सहस्रार अपार आनंद और वरदान प्रदान करता है। हमारे चक्र हमें जीवन के विभिन्न आयामों का अनुभव कराते हैं। उनका संतुलन और सक्रियता हमें एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने की क्षमता देती है। प्रणाम।